हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, ये कितने तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, द वर्ड यूज एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज आर कॉल्ड नाउन्स। नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन्स क्या कहलाते हैं? हमारे जितने भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स या जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटीज होती है, वो सारी क्या होती है? नाउन कहलाती है। और इन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, रवि, दिल्ली, काउ, बुक, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? हमारे नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नाउ अब हम समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन्स कितने तरह के होते हैं? देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन्स। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। इट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, प्रॉपर का मतलब ही होता है हम किसी प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, जैसे कि एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, मान लो हमने काऊ के बारे में बात करनी है तो हम काउ के बारे में बात करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? पर्टिकुलरली प्रॉपर नाउन कहलाएगा क्या? काउ। इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन अ कैपिटल लेटर एनीवेयर इन अ सेंटेंस। अब ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, ये सेंटेंस में कहीं भी आए, चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे बीच में आए, हम इनको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। एग्जाम्पल, द महाभारत इज अ ग्रेट एपिक। ठीक है, द महाभारत, अब महाभारत क्या है? एक पर्टिकुलरली एक बुक का नाम है या एक सीरियल या एक प्ले का नाम, कुछ भी आप कह लो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। द यमुना इज अ होली रिवर। ठीक है, अब यमुना क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है, तो हम यमुना को, जो यमुना है उसका फर्स्ट लेटर हम किससे लिखेंगे? कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दो नाउन है, ठीक है, दो जगह का नाम दिया है, दिल्ली और इंडिया, तो हम इन वर्ड के जो स्टार्टिंग लेटर है उसको हम किससे लिखेंगे? कैपिटल से लिखेंगे, और ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, इट स्टैंड्स फॉर ऑल थिंग्स और पर्सन ऑफ वन काइंड और सेम क्लास। व्हेन यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, इट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कॉमन नाउन जो होते हैं वो हम कॉमन किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, किसी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, उसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, और ये सेंटेंस में बीच में कहीं भी आए, आगे आए, पीछे आए, कहीं भी आए, हम इनके जो वर्ड है या इनका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। अ टीचर टीचेस इन अ स्कूल, अ डॉक्टर क्योर्स हिज पेशेंट्स। ठीक है, यहाँ पर टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक है, टीचर तो बहुत सारे होते हैं, तो हमने पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम नहीं लिया, हमने टीचर के बारे में बताया कि टीचर जो होते हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर का काम क्या होता है? अपने पेशेंट्स को देखना उनका काम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, इट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। इट ऑल्सो डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर व्हेन यूज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये भी कॉमन की तरह होता है, हम किसी ग्रुप को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है, और इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, आर टीम प्लेड वेल। ठीक है, एक क्रिकेट टीम है, मान लो किसी भी कितने भी प्लेयर की टीम है, तो हम उस टीम को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है? बहुत सारे प्लेयर, कलेक्टिव वो टीम क्या जो है वो हमारे प्लेयर्स को उनका कलेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, द आर्मी मार्च्ड अहेड। अब ये आर्मी क्या है? ये भी सोल्जर्स का जो है कलेक्शन शो कर रहा है, कि सोल्जर्स की जो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट स्टैंड फॉर अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सन और थिंग। अनलाइक अदर काइंड ऑफ नाउन, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों को दर्शाता है, हम मान लो किसी की क्वालिटी दर्शा रहे हैं, या हम किसी की बुराई कर रहे हैं, या हम किसी स्टेट को या फिर हम किसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, हम इस चीज़ को देख नहीं सकते, जैसे किसी इंसान की हम बात करें, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब उसकी ऑनेस्टी को हम देख नहीं पा रहे कि कितनी ऑनेस्टी है इसके अंदर, लेकिन हम उसको क्या बता रहे हैं? हम उसको बता रहे हैं कि वो एक ईमानदार इंसान है। हम उसकी ईमानदारी देख पा रहे हैं? नहीं, हम उसको बस फील कर पा रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा या बहुत ईमानदार इंसान है।
ठीक है, तो हम क्या दर्शा रहे हैं इसमें, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि आई कैन नॉट फॉरगॉट द हैप्पी डेज ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन के अच्छे दिनों को नहीं भूल सकता। ठीक है, उसके बचपन में उसने बहुत सारे अच्छे दिन बिताए थे, ठीक है, वो उनको क्या कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है, वो उनको देख नहीं सकता तो वो उसको क्या कर रहा है, फील कर रहा है, और वो अपने शब्दों में उसे बता रहा है। एवरीवन एडमायर्स हिज इंटेलिजेंस, ठीक है, आप किसी की इंटेलिजेंस को देख नहीं सकते कि वो कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो कि हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है। मटीरियल नाउन इट स्टैंड फॉर थिंग्स नॉन लिविंग लाइक मटीरियल सब्सटेंस और इंग्रीडियंट फॉर मेकिंग थिंग्स, ठीक है, मटीरियल नाउन वो हो गया जो हम किसी चीज को बनाने के लिए हम जो सामग्री यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मटीरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आर स्कूल इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, हमारे स्कूल को बनने में क्या यूज हुई है, ब्रिक्स, ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हमारी ईंटें क्या है, मटीरियल है। सेकेंड है आपका दिस पेपर इज ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है, पेपर क्या है आपका, मटेरियल है, और उसके बारे में बताया गया है कि ये पेपर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। थर्ड है आपका द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक आपका क्या है, मटेरियल है, ठीक है, जिससे क्या बनी है, चेयर बनी है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, सम नाउन्स कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर वाइल अदर्स कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, कुछ नाउन्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट कर पाते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं या नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाते, बट ओनली एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं उनकी क्वांटिटी को लेकर, कोई चीज़ कितनी भारी है या कोई चीज़ कितनी हल्की है, हम उसके वजन से या उसकी क्वालिटी से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह का एस्टिमेट लगा सकते हैं। दोज विच कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी काउंटेबल नाउन्स वाइल दोज which can be estimated in terms of quantity are said to be uncountable nouns. जिन nouns को हम count कर सकते हैं numbers के through count कर सकते हैं कि हाँ ये 10 है, ये इतने हैं, ये 50 हैं, ये 100 है, उनको हम countable nouns कहते हैं। जो हम खाली estimate लगा सकते हैं कि हाँ ये इतना इसमें वजन हो सकता है, ये इतना भारी हो सकता है, ये इतना tall हो सकता है, ये इतना less हो सकता है, ऐसे करके उनको हम क्या बोलते हैं, uncountable nouns कहते हैं। The common and collective nouns are called countable nouns, while proper abstract and material noun are called uncountable noun. ठीक है, जैसे कि common collective noun है जिसमें numbers easily हम देख सकते हैं कि हाँ ये यहाँ इस class में इतने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है, हम count कर सकते हैं, तो वो collective noun कहलाता है। जहाँ पे हम count नहीं कर सकते, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हम uncountable noun का use करते हैं। जैसे ऊपर आया था ना, the school is बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, अब कितनी ब्रिक्स लगी हैं हमें नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल में आ जाता है आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में आ जाता है आपका प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। ठीक है, अब जितने भी ऊपर आपके दिए गए थे नाउन के, आपके दिए गए थे ना जितने भी काइंड्स, उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव नाउन आ जाता है, और अनकाउंटेबल में आपके प्रॉपर, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आ जाते हैं। एग्जांपल, वन मैन, फाइव मैन, वन क्लास, टू क्लासेस, वन कंट्री, मैनी कंट्रीज, वन टीम, टू टीम्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं कुछ, इंडिया, एशिया, हैप्पीनेस, एंगर, शुगर, राइस एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं, जिनको हम बस एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसमें इतनी मात्रा में लोग हैं या इतनी मात्रा में चीज़ें हैं। ठीक है, और काउंटेबल में आपको दिख रहा है कि वन मैन, फाइव मैन, हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है बच्चों आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉपर नाउन्स, पीपल्स नेम आर प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हम किसी इंसान का नाम ले रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि हम उस इंसान का नाम ले रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। वो नाम क्या है, उस प्रॉपर इंसान का है, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जॉर्ज वॉशिंगटन, मदर टेरेसा, दयानंद सरस्वती, रॉबिन हुड, सरदार पटेल, मिल्खा सिंह, नरेंद्र मोदी, मोहम्मद अली, रोहित शर्मा, नेल्सन मंडेला, कन्फ्यूशियस,
स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉपर पर्सन के क्या है, नाम है. द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन. ठीक है, जो हमारे डेज ऑफ वीक है संडे मंडे, और हमारे मंथ ऑफ द ईयर है जनवरी फरवरी, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जनवरी को आप जनवरी बोलोगे, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक मंथ का नाम है. संडे को आप संडे बोलोगे, वो भी एक डे का नाम है. ठीक है, डेज ऑफ द वीक मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. नाउ मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ठीक है, ये भी सारे हमारे प्रॉपर नाउन है. इतना क्लियर है बच्चों आपको? द नेशनैलिटी ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री आर प्रॉपर नाउन. ठीक है, एक प्रॉपर कंट्री में रहने वाले लोग भी क्या है, प्रॉपर नाउन के प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि कंट्री अफगानिस्तान, ठीक है, इनके लोगों को हम क्या बोलते हैं, अफगान्स. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस. ब्रिटेन द ब्रिटिश, चाइना द चाइनीज, फ्रांस द फ्रेंच, जर्मनी जर्मन्स, इंडिया इंडियंस, इंडोनेशिया इंडोनेशियंस, इटली इटालियन, जापान द जापानीज, कोरिया कोरियंस, मलेशिया मलेशियंस. ठीक है बच्चों, आगे कुछ और कंट्रीज और उनके पीपल्स के नाम दिए गए हैं. चलिए बच्चे मेरे साथ बोलिए, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंडर्स, सामोआ सामोअन्स, निकारागुआ निकारागुआंस, द फिलीपीन फिलीपिनोज, रशिया रशियंस, पाकिस्तान पाकिस्तानीज, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीकन्स, स्पेन स्पेनियार्ड्स, स्विट्जरलैंड द स्विस, थाईलैंड थाइज, यूएसए अमेरिकन्स, वियतनाम द वियतनामीज. ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको? जो हमारे कंट्रीज हैं उनके लोगों को भी हम प्रॉपर नाउन ही कहेंगे. द नेम ऑफ स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशंस आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन. ठीक है, जैसे कि दिवाली है, दिवाली साल में एक बार आती है. ठीक है, और तो हम कोई दिवाली नहीं मनाते ना, साल में एक ही दिवाली मनाते हैं. होली हो गया, होली भी हम साल में एक ही बार मनाते हैं और एक ही बार आती है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं. जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस, न्यू ईयर डे, मदर्स डे, रिपब्लिक डे और लेबर्स डे. ठीक है, ये सारे जो हमारे स्पेशल डेज हैं, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. द नेम्स ऑफ फेमस प्लेसेस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन. जो हमारी फेमस प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं, वो भी क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है. ठीक है, जैसे ताजमहल है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक ही है. ठीक है, दूसरा ताजमहल तो नहीं है ना, एक ही ताजमहल है, आप सब बच्चों ने देखा होगा, जो कहाँ पे, आगरा में है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना कुछ प्लेसेस के, फेमस प्लेसेस के नाम दिए गए हैं. ठीक है, उनको हम पढ़ लेते हैं बच्चों, रिपीट आफ्टर मी. हर की पौड़ी, द सिडनी ओपेरा हाउस, द लर्निंग टावर ऑफ पीसा, द खजुराहो टेम्पल्स, द स्फिंक्स, द लोटस टेम्पल, द बिरला टेम्पल, द सोमनाथ टेम्पल, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द अजंता केव्स, द आईफिल टावर. ये भी सब क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है. सम कॉमन नाउन्स. ठीक है, पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन्स के बारे में. दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड ऑफ थिंग्स. ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, चीज़ों के नाम दिए गए हैं, ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है. जैसे कि टेबल, अब टेबल तो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, कॉमन नाउन के अंदर आ जाते हैं. टेबल पेन लैम्प बुक. ठीक है, ये सब कॉमन है, बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं. ठीक है, तो हमने उनको कॉमन बोल दिया. कैलकुलेटर बाइसाइकिल कंप्यूटर बस, ये सब भी क्या है, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर एनिमल्स. नोटिस दैट नेम ऑफ यंग वंस आर इंक्लूडेड. ठीक है, अब कुछ नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो क्या है, वो एनिमल्स के नाम है. ठीक है, अब एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स को हम अलग नाम देते हैं. जो एडल्ट होते हैं एनिमल्स में, उनको हम अलग नाम से बुलाते हैं, और जो उनके बेबीज होते हैं ना, उनको हम अलग नाम से बुलाते हैं. जैसे कि एनिमल है आपका फॉक्स, उसके बेबी को हम बुलाते हैं कब. एलिफेंट के बेबी को हम बोलते हैं काफ. कैंगरू के बेबी को हम बोलते हैं जॉय. बेयर के बेबी को हम बोलते हैं कब. एंड लायन का बेबी होता है हमारा कब. और एनिमल्स हैं यहाँ पे, डॉग के बेबी को पपी, कैट किटन, काउ काफ, हॉर्स
फॉल गुड किड. ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे कॉमन नाउन हैं. कुछ एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे. उनके बेबीज हैं उनके अलग नाम हैं, तो वो भी क्या आ जाते हैं, कॉमन नाउन के एग्जांपल्स में ही आ जाते हैं. आगे बढ़ते हैं, दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स ऑफ प्लेसेस. अब कुछ हमें कॉमन नाउन दिए गए हैं, ये किसके नाम है, प्लेसेस के नाम है, जैसे कि बैंक, ऑफिस, टेम्पल, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी, स्टेडियम. ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है. जैसे बैंक है, बहुत सारे बैंक होते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, प्रॉपर में आ जाता है. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बैंक के बारे में, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है. और हम देख लेते हैं स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्कूल क्या है, एक कॉमन नाउन है. हम किसी पर्टिकुलर स्कूल के नाम को लेकर उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम खाली बात कर रहे हैं स्कूल की. पार्क, जू, पोस्ट ऑफिस, म्यूजियम, थिएटर, ये सारे एग्जांपल है किसके बच्चों, कॉमन नाउन के. दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड ऑफ पीपल हु डू सर्टेन थिंग. ठीक है, अब ये कुछ नाम हमें दिए गए हैं लोगों के जो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन थिंग्स करते हैं. क्या क्या करते हैं, सिंगर क्या करता है, गाता है. ठीक है, अब बहुत सारे सिंगर्स हैं, ठीक है, लेकिन हम सिंगर बोल रहे हैं. ठीक है, हम क्या करें, हम ये नहीं बोलते बहुत सारे लोग गा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, उनको सिंगर नाम दे देंगे कि हाँ लोग जो गाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगर बोलते हैं. आर्टिस्ट, डॉक्टर, एथलीट, गार्डनर, टीचर, फ्रेंड, नर्स. ठीक है, डांसर, राइटर, क्लर्क, शॉपकीपर, सेक्रेटरी, फार्मर, डांसर, म्यूजिशियन. ये सब क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको हमने पर्टिकुलरली नाम दिया है, क्योंकि ये सब क्या है, कॉमन है. बहुत सारे सिंगर हैं, ठीक है, हमने उन्हें एक कॉमन नाम दे दिया, सिंगर. बहुत सारे टीचर्स हैं, हमने उन्हें कॉमन नाम दे दिया, टीचर, कि ये सब क्या करते हैं, पढ़ाते हैं. बहुत सारे लोग हैं, पेशेंट्स देखते हैं, तो हमने उन्हें क्या दे दिया, कॉमन नाम दे दिया, डॉक्टर का नाम दे दिया. ठीक है, ताकि हाँ हम बोल सकें कि ये डॉक्टर है, ये क्या करता है, ये पेशेंट्स को देखता है. अब हम आते हैं सम कलेक्टिव नाउन की तरफ. ठीक है, हेयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स यू कैन यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है, हम कुछ लोगों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन का नाम दे रहते हैं, जैसे कि अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जनता की सरकार, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की क्लास. ठीक है, एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्ट हुए हुए हैं. अ कारवा ऑफ ट्रेवलर्स, पिलिग्रिम्स. ठीक है, जो कारवां चलता है लोगों का, जो कहाँ जा रहे होते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे होते हैं. ठीक है, तो उनको हम कारवांस कहते हैं. अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, पीपल. ठीक है, एक कंपनी है, एक मान लो कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कलेक्ट होकर काम करते हैं. ठीक है, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्राउड ऑफ शॉपर्स, पीपल, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल. जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो मिलकर के क्या चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या है, वो सारे के सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है. अ बेंच, जूरी ऑफ जजेस, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, लेडीज, अ गैंग ऑफ थीव्स, रॉबर्स, अ पार्टी ऑफ पॉलिटिकल पीपल्स, अ प्लेटून ऑफ सोल्जर्स, अ कमेटी ऑफ मेंबर्स. मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव देयर ओन कलेक्टिव नाउन. ठीक है, पहले हमने बात की ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, अब हम बात करें ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में, जिनको भी हम एक कलेक्टिव नाउन या एक वर्ड दे देते हैं. ठीक है, जैसे कि अ फ्लोक ड्रोव ऑफ शीप. शीप का जो ग्रुप होता है, बहुत सारी शीप जहाँ पे असेंबल होती है या कलेक्ट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोक कहते हैं. अ पॉड ऑफ डॉल्फिन, जहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन होती है या बहुत सारी डॉल्फिन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं. अ स्वर्म ऑफ बीज, जहाँ पे बहुत सारी बीज कलेक्ट होती है, उनको हम स्वर्म बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं, अ गैगल ऑफ गीज, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ फ्लाइट फ्लोक ऑफ बर्ड्स, अ स्कूल शॉल ऑफ फिश, अ लिटर ऑफ पपीज. ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ एनिमल के एग्जाम्पल है, जिसको किसके अंडर हम लोग रखते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं. सम ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैव देयर ओन कलेक्टिव नाउन. ठीक है, पहले हमने ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ा, फिर हमने ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अब हम ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम अगर कलेक्टिवली एक नाम देना चाहें तो हम क्या नाम देंगे. अ बंडल ऑफ हे, स्टिक्स. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी स्टिक्स इकट्ठा है,
ठीक है, मान लो हमने एक बंडल बना लिया, मतलब एक बहुत सारी स्टिक्स है उनको इकट्ठा कर लिया, तो उसके ग्रुप को या कलेक्टिव स्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, बंडल बोलेंगे. अ सीफ ऑफ कॉर्न एरोज, ठीक है, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अ फाइल ऑफ लेटर्स पेपर्स. ठीक है, घर में आप देखते हो आपके पेरेंट्स ने क्या किया होता है बच्चों, आपने उन्होंने एक फाइल बना रखी होती है, आपकी भी फाइल बना रखी होती है, ठीक है, ड्राइंग फाइल होती है जिसके अंदर आप क्या रखते हो, बहुत सारे अपनी ड्राइंग शीट्स रखते हो. ऐसे आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी फाइल बना के रखते हैं जिसके अंदर उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फाइल बोलते हैं हम उसको, बहुत सारे पेपर की बुक नहीं बोलेंगे हम उसको, कुछ और नहीं बोलेंगे हम उसको, प्रॉपरली एक नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, फाइल. ठीक है, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, अ बंच ऑब्लिक कॉम्ब ऑफ बनानास, डेक पैक ऑफ कार्ड्स, अ बंच ऑफ कीज, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स शीप्स, अ सेट ऑफ टूल्स, अ सूट ऑफ रूम्स फर्नीचर, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स पर्ल्स, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ बुके बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ पाइल ऑफ पेपर्स थिंग्स, अ हीप ऑफ गार्बेज, अ डंप ऑफ रबिश, अ शावर ऑफ ब्लेसिंग्स. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे आपके ग्रुप ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, आपने ग्रुप ऑफ एनिमल्स को और ग्रुप ऑफ पीपल्स को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. आगे बढ़े, अब हम आते हैं नंबर्स की तरफ. ठीक है, नंबर्स, सिंगुलर नंबर, ठीक है, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. नाउन जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग और पर्सन, यूज अ सिंगुलर नाउन. जब हम एक पर्सन या एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन कहलाती है. एग्जाम्पल, अ पार्क, एन आइडिया, अ टेंट, अ डॉक्टर, एन ओवन, अ टैक्सी, अ हाउस, अ लेडी एंड एन एक्सरसाइज. ठीक है, ये सब हम एक पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनके आगे ए एन लगाते हैं और ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स कम टू प्लूरल नाउन. यूज अ प्लूरल नाउन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग. हम प्लूरल नाउन कब यूज करते हैं, जब हम दो से ज्यादा चीजों के बारे में या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं. अब रूल्स क्या क्या है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को यूज करने के. सिंगुलर नाउन, रूल फॉर मेकिंग प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या रूल आता है. नाउन एंडिंग इन एस, सी एच, एस एच, डी जी, जेड एंड एक्स, ये सारे इनके आगे हम क्या यूज करते हैं, एड ई एस यूज कर देते हैं या ई एस जो है हम ऐड कर देते हैं उसको क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए. एग्जाम्पल, ग्लास को हमने ई एस बनाकर या ई एस एड करके उसके आगे क्या कर दिया, हमने उसको ग्लास का ग्लासेस कर दिया. वॉच, वॉचेस, डिश, डिशेस, बॉक्स, बॉक्सेस. ठीक है, अब वॉच, वॉच के आगे क्या हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया. ठीक है, उसको प्लूरल में हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया. वॉच का मतलब होता है एक घड़ी, वॉचेस का मतलब होता है बहुत सारी घड़ियां. ठीक है, डिश, उसके आगे हमने ई एस और एड कर दिया तो वो क्या बन गया, डिशेस बन गया, एक डिश बहुत सारी डिशेस. ठीक है, बॉक्स, अब एक बॉक्स है लेकिन अगर आपको उसको दिखाना है, बहुत सारे बॉक्सेस दिखाना है तो आप क्या करोगे, उसके आगे ई एक्स लगा दोगे उसको प्लूरल बनाने के लिए. नाउ, नाउन एंडिंग इन वाई, रिमूव द वाई एंड एड आई ई एस. जिस वर्ड के आगे वाई लगा है उसको आप वाई हटा करके आई ई एस लगा दोगे, क्या दर्शाने के लिए, प्लूरल नाउन दर्शाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई का बन गया फ्लाइज. ठीक है, हमने एफ एल वाई के आगे से वाई हटा दिया और क्या ऐड कर दिया, आई ई एस ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, फ्लाई का फ्लाइज बन गया, जैसे एक मक्खी बहुत सारी मक्खियां. फैमिली, फैमिलीज. ठीक है, फैमिली के जो वर्ड है उसके आगे क्या आता है, वाई आता है, हमने इसके आगे से वाई हटा दिया बहुत सारी फैमिली दिखाने के लिए तो वो क्या बन गया, फैमिलीज, आई ई एस, एफ ए एम आई एल आई ई एस, फैमिलीज बन गया, हमने उसमें से वाई हटा दिया तो एक परिवार बहुत सारे परिवार. ठीक है, नाउन एंडिंग इन वाई विद ए वॉवल जस्ट बिफोर वाई. अब कुछ हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके आगे वाई होता है, वाई से आगे क्या होता है, ए होता है, तो हम वहां पे सिर्फ एस लगा देंगे, जैसे कि मंकी, मंकीज, ट्रॉली, ट्रॉलीज. ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या था, वाई
के आगे कोई वॉवल नहीं था, तो हमने उसके आगे वाई को हटा के आईएएस कर दिया था। अब यहाँ पे वाई के आगे वॉवल है तो हम सिर्फ वहाँ पे एस ऐड कर देंगे, जैसे मंकी का हो गया मंकीज, ट्रॉली का हो गया ट्रॉलीज। नाउन्स एंडिंग इन ओ और डबल ओ तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ के साथ एस ऐड कर देंगे, जैसे कि सेलो का बन गया सेलोस, बैम्बू का बन गया बैम्बूज। अब हम आते हैं हमारे सेवन्थ पॉइंट की तरफ, इररेगुलर नाउन्स। ठीक है, सम नाउन डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। मान लो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके आगे हम एस नहीं लगाते, हम उनको क्या करते हैं, उनका वॉवल्स चेंज कर देते हैं। जैसे कि वुमेन का दिया है वुमेन, वुमेन का दिया बन गया वुमेन, माउस का बन गया माइस, फुट का बन गया फीट। ठीक है, एक वुमेन है तो हम उसको एक मतलब वुमेन लिखेंगे, अगर बहुत सारी लेडीज हैं तो हम उनको वुमेन लिखेंगे, मतलब हम उसमें एस नहीं ऐड करेंगे, हम वहाँ पे वॉवल को चेंज कर देंगे। हमने एम ए एन का एम ई एन कर दिया, हमने ए वॉवल को चेंज करके क्या कर दिया, हमने ई कर दिया। ऐसे ही हमने माउस का माइस बना दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओ यू को हटा के हमने आई ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया, माउस का माइस बन गया। ऐसे फुट में हमने ओ को हटा दिया, बीच के जो डबल होते हैं उसको हटा के हमने क्या कर दिया, डबल ई कर दिया, फुट का फीट कर दिया। नाउ सच नाउन्स हैव अ प्लूरल दैट इज अ डिफरेंट वर्ड और समटाइम्स दे हैव नो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में हम उसको कैसे चेंज करेंगे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे फिश का फिश ही रहेगा, शीप का शीप ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, गॉड का गॉड ही रहेगा, भगवान एक ही होते हैं, सन भी एक ही रहेंगे। ठीक है, वो क्या है, वो अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं हो गया, आप उनको प्लूरल ही मान सकते हो। ठीक है, और हम आगे क्या कर सकते हैं उसमें, या तो न्यू वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, जैसे पर्सन का पीपल हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक है, अब हमने पर्सन को पर्सन्स नहीं लिखा, हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, पीपल कर दिया है, चाइल्ड को चाइल्ड्स ना लिख के हमने उसको क्या बना दिया, चिल्ड्रन बना दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, नो प्लूरल फॉर्म, न्यूज़ पॉलिटिक्स, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम उनको न्यूज़ ही पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स। ठीक है, उसको हम उनके प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में ही पढ़ेंगे, नो सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, जैसे कि पैंट्स, अब ये जोड़े में ही आते हैं, पैंट्स आपने देखा होगा। ठीक है, आप देखते हो कि वो पैंट्स ही है, मतलब वो जोड़े में ही आते हैं। सीजर्स, पजामाज, ठीक है, ये सारे क्या है, इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। तो बच्चों आपको नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। लेट्स कम टू जेंडर्स, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर। मस्कुलाइन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। ठीक है, मस्कुलाइन क्या है, हम जितने भी मेल हमारे एनिमल्स हैं या हम लोग होते हैं, हम मैन वगैरह, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन जेंडर्स या मस्कुलाइन नाउन कहते हैं। फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड फॉर वुमेन, गर्ल एंड फीमेल एनिमल्स। ठीक है, जितने भी फीमेल एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, वुमेन, गर्ल्स, इनको हम फेमिनिन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि सन का फेमिनिन नाउन क्या बन जाता है, डॉटर बन जाता है, मैन का वुमेन बन जाता है, फादर का मदर बन जाता है, बॉय का गर्ल बन जाता है, अंकल का आंट बन जाता है। ठीक है, अंकल की वाइफ को आप क्या बोलोगे, आंटी बोलोगे ना, हस्बैंड उसका वाइफ, हस्बैंड का क्या बन जाता है, वाइफ बन जाता है, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर बन जाता है। ठीक है, आप दादाजी को दादाजी बुलाते हो, क्या आप अपनी दादी जी को भी दादाजी बुलाते हो, नहीं ना, आप क्या बुलाते हो उनको, दादी जी बुलाते हो। ठीक है, ब्रदर का सिस्टर बन जाता है, ठीक है, आपका भाई है वो अलग है, आपकी बहन है तो आप उसको सिस्टर बुलाओगे, आप उसको ब्रदर नहीं बुलाओगे, क्योंकि वो मस्कुलाइन है ब्रदर, और आपकी सिस्टर क्या है, वो फेमिनाइन नाउन है। कुछ और दिए गए हैं यहाँ पे एग्जांपल्स, किंग का क्वीन बन जाता है, नेफ्यू का नीज बन जाता है, प्रिंस का प्रिंसेस, एम्परर एम्प्रेस, वेटर वेटरेस, एक्टर एक्ट्रेस, पुलिसमैन पुलिस वुमेन, विजार्ड विच। ठीक है, मैनी नाउन आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दे आर कॉल्ड कॉमन जेंडर्स। अब कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड है जहाँ पे हम दोनों को सेम नाम दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्यूपिल, प्यूपिल स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें गर्ल्स भी आ जाती हैं और बॉयज भी आ जाते हैं। टीचर, टीचर्स में आपका मेल टीचर भी आ जाता है और फीमेल टीचर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन जेंडर्स है। चाइल्ड, चाइल्ड में आपका बॉय चाइल्ड भी आ जाता है, गर्ल चाइल्ड भी आ जाती है। पेरेंट्स, ठीक है, आपके टीचर आपको बोलती है कॉल योर पेरेंट्स, तो आप
मम्मी पापा दोनों को बुला सकते हो, ठीक है। बेबी, बेबी भी गर्ल को बॉय को। कजन, ठीक है, जो हमारे कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं तो उनके लिए हम एक नाम, कॉमन नाम हम दे सकते हैं कजन। डांसर, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, मैनेजर, प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। विद एनिमल्स देयर आर वन जनरल वर्ड फॉर द एनिमल एंड स्पेशल वर्ड्स फॉर द मेल एंड द फीमेल। समटाइम्स द वर्ड फॉर द फीमेल एनिमल इज द सेम एज द जनरल वर्ड। अब कुछ ऐसे जनरल वर्ड है जो हम मेल या फीमेल जो एनिमल्स होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा है कि फीमेल को भी हम कहीं कहीं पे, सब में नहीं, कहीं कहीं पे हम फीमेल को भी मेल के बराबर ही या वही नाम से पुकारते हैं। जैसे कि एनिमल कौन सा है, हॉर्स। अब इसका मस्कुलाइन जो इसका मेल हॉर्स है उसको हम बोलते हैं स्टालियन, और फीमेल को हम बोलते हैं मेयर, ठीक है। रैबिट, रैबिट में हम मेल को बुलाते हैं बक, और फेमिनाइन मतलब फीमेल रैबिट को हम बुलाते हैं डो। एनिमल आपका चिकन है, उसको मेल चिकन को हम बुलाते हैं रूस्टर, फीमेल चिकन को हम बुलाते हैं हैन। पिग है आपका, मेल पिग को हम बुलाते हैं बोर, और फीमेल पिग को हम बुलाते हैं सॉ। डक, मेल डक को हम ड्रेक बुलाते हैं एंड फीमेल को हम डक ही कहते हैं। कैटल, कैटल में आपका मेल जो होता है वो बोला जाता है और फीमेल में आपका काऊ आ जाता है। गूस, गैंडर, हम उसको मेल में तो हम उसको गैंडर बुलाते हैं लेकिन फीमेल में हम उसको गूस कर देते हैं, मतलब गूस का गूस ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। टाइगर, टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे मेल फीमेल जेंडर्स हैं किसके, एनिमल्स के, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको जेंडर का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स कम टू आर अनदर टॉपिक जो कि है हमारा द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, यूज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन टू शो ओनरशिप, ठीक है। पोजेशन का मतलब ही होता है कब्जा करना या किसी पे अपना हक दिखाना, ठीक है। तो पॉजिटिव नाउन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि हम किसी चीज़ पे अपनी ओनरशिप को दर्शा रहे हैं। टू मेक द पॉजिटिव फॉर्म पुट एन अपोस्ट्रोफ एंड एस आफ्टर अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब हम जहाँ पे अपनी ओनरशिप दर्शा रहे होते हैं, किसी की चीज़ दर्शा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं उस चीज़ को, उस इंसान की या हमारी दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, दिस इज माई बैट एंड दैट इज राहुल्स बैट, ठीक है। ये मेरा बैट है और ये राहुल का बैट है, तो राहुल के बैट के आगे, मतलब राहुल के आगे हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया उसकी चीज़ को, उसके बैट को दर्शाने के लिए। आपने क्या कर दिया, आपने दो चीज़ों को सेपरेट कर दिया कि ये मेरा बैट है और ये राहुल का बैट है, तो आपने राहुल का बैट दिखाने के लिए आपने राहुल के नाम के आगे अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वी ऑल लाइक किरण्स कुकिंग, ठीक है। हमें किरण की कुकिंग बहुत पसंद है, तो हमने किसकी स्पेसिफाई किया है, किरण की स्पेसिफाई किया है कि हमें किरण की ही कुकिंग अच्छी लगती है या पसंद है, तो हमने क्या किया, किरण के नाम के आगे अपोस्ट्रोफ एस लगा के कुकिंग ऐड कर दिया। इट इज़ माई जॉब टू कलेक्ट एवरीबडीज प्लेट आफ्टर द मील, ये मेरी जॉब है हर किसी की प्लेट को कलेक्ट करना खाने के बाद, ठीक है। एवरीबडीज, तो एवरीबडी के आगे हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा के उसको एवरीबडीज बना दिया। द फ्लाइज आर बजिंग अराउंड द काउज टेल, जो फ्लाइज है वो कहाँ घूम रही है, काउ के टेल के आसपास घूम रही हैं, तो हमने काउ के आगे, क्योंकि वो किसकी टेल है, काउ की टेल है, ठीक है, तो हमने काउ के आगे अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया उसकी टेल को दर्शाने के लिए। दिस इज गीता एंड मुकेश हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गीता और मुकेश का हाउस दिखाया है, तो हमने गीता के आगे नहीं लगाया, हमने मुकेश के आगे लगाया, क्योंकि गीता हम दो नाम दर्शा रहे हैं, तो गीता और मुकेश का हमने, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो गीता का और मुकेश का हाउस, हम ये बोलेंगे वो गीता और मुकेश का हाउस है, तो हम जिसके आगे का लगा रहे हैं उसके आगे हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे और फिर दर्शाएंगे कि वो उनकी चीज़ है। दिस इज राजेश हैट एंड दैट इज राजेश फादर्स हैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राजेश की हैट है और हम बता रहे हैं कि राजेश के फादर की हैट है, ठीक है, तो यहाँ पे दो बार अपोस्ट्रोफ आएगा कि राजेश के, पहले हम बता रहे हैं कि और किसके पापा हैं, राजेश के पापा हैं, फिर हम ये बता रहे हैं कि राजेश के पापा की हैट है, ठीक है। आफ्टर प्लूरल नाउन दैट डोंट एंड विद एस यूज एन अपोस्ट्रोफ एंड एन एस अपोस्ट्रोफ एस टू मेक द पॉजिटिव
फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे प्लूरल नाउन है, जहाँ पे ऑलरेडी एस है, ठीक है. आपको पता है हम एस कब लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ लगाते हैं. तो वो ये बता रहे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी एस है वर्ड के एंड में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, खाली अपोस्ट्रोफे लगाएंगे. जैसे कि सम पीपल्स हाउसेस आर बिगर देन आर्स, ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पीपल के आगे हमने अपोस्ट्रोफे लगा दिया, क्योंकि पीपल एक ग्रुप ऑफ वर्ड को, वो पीपल ऑलरेडी अपने आप में ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है. तो हमने पीपल्स हाउसेस आर बिगर देन आर्स, हमने पीपल के आगे अपोस्ट्रोफे एस लगाया. नाउ द चिल्ड्रन भी एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके आगे भी हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया. रूम इज ऑलवेज मैसी. मेंस वॉइसेस आर डीपर देन वुमेन्स वॉइस. रैट्स टेल्स आर लॉन्गर देन माइसेस टेल, ठीक है. रैट्स, अब रैट्स क्या है, हमने बहुत सारे रैट्स के बारे में बताया, रैट्स एक प्लूरल है, तो हमने इसके नाम के आगे सिर्फ अपोस्ट्रोफे साइन लगाया, हमने एस ऐड नहीं किया. आफ्टर प्लूरल नाउन्स दैट डोंट एंड इन एस यूज एन अपोस्ट्रोफे एंड एन एस अपोस्ट्रोफे एस टू मेक द पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है. कुछ प्लूरल नाउन जो होते हैं जो एस से एंड नहीं होते, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें अपोस्ट्रोफे और एस लगा के उसे क्या बना देंगे, पॉजिटिव फॉर्म बना देंगे, किसकी, वर्ब की, ठीक है. ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं. सम पीपल्स हाउसेस आर बिगर देन आर्स, कुछ लोग, अब लोग क्या है, प्लूरल है, पीपल क्या है, प्लूरल है, ठीक है. तो हमने इसके नाम के आगे, इसके आगे हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया. हाउसेस आर बिगर देन आर्स, लोग, कुछ लोगों का हाउस जो है हमसे बड़ा है. द चिल्ड्रंस रूम्स इज ऑलवेज मैसी, ठीक है. अब चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, हमने अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है लेकिन ये एस से एंड नहीं हो रही है, तो हमने इसको अपोस्ट्रोफे एस से एंड किया है, या जो भी इसके आगे ऐड करके हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है. नाउ मेंस वॉइसेस आर डीपर देन वुमेन्स वॉइस, ठीक है. यहाँ पे मेंस और वुमेन्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है मैन और वुमेन के, ठीक है. तो हमने इसके इनके नाम के आगे अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया. नाउ रैट्स टेल आर लॉन्गर देन माइस टेल. अब रैट्स तो एस से एंड होता है, ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एस के बाद खाली अपोस्ट्रोफे लगा दिया. माइस क्या है, माइस भी प्लूरल फॉर्म है माउस की, ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया. नाउ आफ्टर प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एस जस्ट एड एन अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है. कुछ प्लूरल नाउन होते हैं जो एस से एंड होते हैं. अब क्या करेंगे उस केस में, क्योंकि अपोस्ट्रोफे के साथ तो हम एस लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनका एस जो है वो एज इट इज रहने देंगे, हम खाली अपोस्ट्रोफे का साइन वहाँ पे ऐड कर देंगे. जैसे कि द बॉयज बेडरूम इज बिगर देन गर्ल्स बेडरूम, ठीक है. अब यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे ऑलरेडी एस है, तो हम अपोस्ट्रोफे एस लगा के उसे और बड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, खाली अपोस्ट्रोफे ऐड करेंगे. ऐसे ही बॉयज में भी और ऐसे ही गर्ल्स में भी, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, खाली अपोस्ट्रोफे ऐड करेंगे. द पीपल्स डेस्क आर अरेंज इन रो. अब पीपल्स के आगे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे खाली अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे. माइसेस टेल्स आर शॉर्टर देन रैट्स टेल. माइस ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, अब यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अपोस्ट्रोफे एस ऐड करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे रैट्स दिया हुआ है, रैट्स ऑलरेडी एस से एंड हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में है और एस से एंड हो रहा है, तो हम खाली यहाँ पे अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे. द स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉय द फार्मर्स क्रॉप, ठीक है. फार्मर्स प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे खाली अपोस्ट्रोफे लगाएंगे. इतना समझ में आ गया बच्चों आपको, तो बच्चों आपको आई होप नाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.